हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत ये पार्ट नंबर वन होगा क्योंकि ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये थोड़ा बड़ा है। पूरी प्रोसेस पूरा डिटेल से इसमें डिस्क्राइब करूँगा किस प्रकार से RTI डाली जा सकती है और क्या है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए दो वीडियो होंगे जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि ये फर्स्ट वीडियो इसके बाद जो सेकेंड वीडियो होगा उसके अंतर्गत कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में डिटेल से पूछा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम RAS प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और मेंस में भी ये टॉपिक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले नागरिक अधिकार पत्र के बारे में मैंने कल वीडियो डाला था तो उसको डिटेल से डिस्कस किया था। और एक अदर टॉपिक हमारा जो जातियों के बारे में चल रहा था कि भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति के बारे में, तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ आएंगे। तो ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर वन होगा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसके बाद वीडियो नंबर टू जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। सबसे पहले दिमाग में एक बात ये आती है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो सबसे पहले लाया ही क्यों गया। सबसे बहुत सी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी, तो ये क्या है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें जो गोपनीयता रखी जाती है कि बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, एक प्रकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि आम जनता को पता नहीं चलता है कि अंदर जो प्रशासनिक पोस्ट हो गई या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसके इस दायरे के अंदर आती है, तो उन चीज़ों को क्या है कि अच्छे से हम उनकी डिटेल ले सकते हैं और आसानी से पता कर सकते हैं कि किन चीज़ों पर कितना क्या खर्च हो रहा है, आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर सरकारी तंत्र में अगर कोई भी चीज़ इंटरनली हो रही है तो ये डर उनके अंदर अब व्याप्त हो गया है। जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनके अंदर ये डर थोड़ा सा या एक मेंटेलिटी इस प्रकार की बन गई है कि अगर इससे संबंधित सूचना मांग ली गई तो हो सकता है कि उनकी जितनी भी बातें वो बाहर आ जाए और एक दिक्कत उनके लिए शुरू हो जाए अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो एक मानसिक परिवर्तन बहुत मोटे तौर पर हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दंडनीय अपराध माना जाता था। 1923 का समय आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजों का समय था, तो उस समय क्या है कि अगर कोई सूचना जो है शासकीय सूचना है अगर वो बाहर जाती थी या कोई व्यक्ति अगर उसे बाहर लेकर चला जाता था, बाहर लोगों को बता देता था, और अगर पता चल गया कि इस व्यक्ति ने अगर चीज़ें बाहर बताई है तो उसको एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता था और उस व्यक्ति को दंड भी दिया जाता था। उसे सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा प्रभावहीन कर दिया गया। मतलब ये था कि पहले हर चीज़ सीक्रेट रखी जाती थी, प्रशासकीय जितने भी कार्य होते हैं, शासकीय जितने भी कार्य होते थे जो कि कामकाज होते थे तो उस सरकारी संस्थानों में, तो उनको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता था। लेकिन जैसे ही ये RTI आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उससे क्या है कि एक प्रकार से ये अधिकार के रूप में बन गया और लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से। तो ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से हुई और 2005 में ये पूर्ण रूप से लागू हुई, तो उसके लिए भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कब कहाँ कैसे और प्रथम बार कहाँ पे लागू हुई थी। सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था और 2004 में केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक प्रगतिशील, सहभागिता आधारित और सार्थक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया। मतलब एक प्रकार से सलाह लेने के लिए गठन किया गया कि किस प्रकार से RTI को एक बेहतर तरीके से लागू किया जा सके जिससे कि लोगों को पता चल सके, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया कि जो इसको सपोर्ट करते हैं, इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया गया। 2004 में केंद्र सरकार ने इसके ऊपर अमल करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी कानून और जो भी चीज़ें वो बनाना प्रारंभ की। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इन सब जो भी चीज़ें थी उनकी प्रस्तुतियों के आधार पे अगस्त 2004 में क्या हुआ, सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। पेश कहाँ पे हुआ, तो 11 मई 2005 को लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया, मतलब लोकसभा में रखा गया। बहुत सारी बहस भी चली, उसके बाद क्या हुआ कि 11 मई 2005 को लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया और उसके बाद क्या हुआ कि 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित हुआ, मतलब कि राज्यसभा में भी ये पारित हो गया। और इस प्रकार से
15 जून 2005 को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई पूर्ण रूप से। तो आपको पता होगा कि कोई भी जो विधेयक है वो कानून और उसकी शक्ल तभी ले पाता है जब तीनों ही स्टेज से वो पूर्ण रूप से गुजर जाए तब। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से अगर स्वीकृत हो गया है तो वो एक लॉ बन जाता है, कानून के रूप में वो बन जाता है। अधिनियम की धाराएँ 4, 5, 1, 2 तथा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है कि ये धाराएं कौन कौन सी, इतना डेप्थ में हमको नहीं जाना है, एक बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो पता होना चाहिए। अविलंब प्रभाव में आ गई जबकि शेष धाराएं 12 अक्टूबर 2005 से देश भर में प्रभावित हुई। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि बहुत समय क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होना प्रारंभ हो जाता है कि कब ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 से देश भर में प्रभावित हुई, मतलब कि जितने भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो कुछ के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो उस रीज़न से क्या है कि दो डेट के कारण, तो जो भी डेट दी होती है उसके बेसिस पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 11 मई 2005 को लोकसभा में, 12 मई को एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि राज्यसभा से पारित हो गया, 15 जून को क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी और इसके साथ ये क्या हुआ, लागू तो हो गया था लेकिन सभी धाराएँ लागू नहीं हुई थी। तो इस रीज़न से क्या है कि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर 2005 को लागू की गई और इस प्रकार से क्या किया गया कि इसका ये अपने पूर्ण अस्तित्व में आया। स्वीडन विश्व का पहला देश था, जो स्वीडन के नाम आपने सुना होगा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ये जो सारे कंट्रीज़ है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और इन चीज़ों में बहुत टॉप लेवल पे आती है। तो स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने सूचना का अधिकार सर्वप्रथम लागू किया। वर्ष 1766 में स्वीडन में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पारित हुआ और जिसमें लोग दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार दिया गया था। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के नाम से ये पारित हुआ और स्वीडन पहला देश बना, 1766 की बात है, ठीक है। तो इसके पश्चात राष्ट्रसंघ ने 1949 में फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट 1949 के रूप में लागू किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 1948 में घोषणा की कि जानकारी पाने की इच्छा रखना, उसे प्राप्त करना तथा किसी माध्यम द्वारा जानकारी एवं विचारों को फैलाना मनुष्य का मौलिक अधिकार है। अमेरिका ने प्रशासनिक प्रणाली अधिनियम के नाम से 1946 की धारा 3 में संशोधन के रूप में अधिनियम 1966 लागू किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि विभिन्न देशों में, जैसा कि हमने नागरिक अधिकार पत्र के बारे में देखा था कि विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार से लागू किया, उस प्रकार से यहाँ भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र और जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज ने, फ्रांस और इन्होंने सभी ने क्या किया, पूर्ण रूप से इसे लागू किया। इसके साथ ही क्या हुआ कि इसी प्रकार फ्रांस में भी 1978 में और ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 के नाम से के रूप में सूचना का अधिकार आम नागरिकों को दिया गया कि हाँ उनको भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं जो कि इस दायरे के अंतर्गत आती है उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि लोग अपने जो जो शासन चल रहा है या जो प्रशासकीय व्यवस्था है उससे बेहतर तरीके से अवगत हो पाएँ। भारत में सूचना के अधिकार की शुरुआत 60 दशक पहले से ही हो चुकी थी लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अस्तित्व में आना प्रारंभ हुआ, परंतु यह केवल चर्चा तक ही सीमित था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मनमोहन सरकार ने क्या किया कि मई 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के स्वच्छ और पारदर्शी शासन देने के तहत इसकी घोषणा की। तो 2004 में ये चीज़ लगभग लागू हुई। मनमोहन जी की जो सरकार थी उस समय वो प्रधानमंत्री पद के लिए थे, तो उन्होंने क्या है कि मई 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आया एक प्रशासन में, इसके लिए क्या किया गया कि आरटीआई के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 23 दिसंबर 2004 को सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक संसद के समक्ष पेश किया गया। लोकसभा में लंबी बहस चली, अभी थोड़ा डिटेल से हमने डिस्कस किया था। 11 मई को संशोधन के साथ ही विधेयक को मंजूरी दे दी गई और जैसा कि 12 मई को हमने देखा पूर्ण रूप से पारित हो गया था। अगले ही दिन राज्यसभा से भी पारित हो गया जो कि 12 तारीख थी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। प्रीलिम्स एग्जाम, आरएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब वो लोकसभा से पास हुआ उस दिन की वो डेट दे देते हैं, राज्यसभा से पास हुआ या राष्ट्रपति के साथ साइन हुए उस दिन की डेट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो 12 अक्टूबर 2005 को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हो सकता है कि आरएएस मेंस एग्जाम में क्या किया जाए कि दो लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत
भारत में लागू हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 देश में लागू होने से पूर्व ही 9 राज्यों ने क्या किया कि कानून को लागू कर दिया था। जैसे पूरे भारत में तो लागू हुआ, लेकिन एक स्टेट लेवल पे जैसे कि हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट लेवल का जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम के लिए जो होता है, तो किन किन जो स्टेट है उन्होंने लागू किया। तमिलनाडु ने 1997 में ही इसे लागू कर दिया था। गोवा ने 1997 में, राजस्थान ने 2001 में, कर्नाटक ने 2000 में, दिल्ली ने 2001 में, असम ने 2002 में, मध्य प्रदेश में 2002 में, महाराष्ट्र में 2002 में, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर 2004 में। तो वहाँ पर्टिकुलर स्टेट के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट जिस प्रकार से लागू करता है तो वो स्टेट का होता है। लेकिन एक सेंट्रल लेवल का जो कानून बनता है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था, क्योंकि अपने स्टेट लेवल पर जो कानून बनाने होते हैं वो सरकारें बना सकती है। तो 9 राज्य ये हैं, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। इन 9 राज्यों में ये पहले ही लागू हो चुका था, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पूर्ण रूप से अनुमति दी उससे पहले ही लागू हो चुका था। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 देश में लागू होने से पूर्व ही 9 राज्यों में इस कानून को लागू कर दिया गया था। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि ये राज्य जो थे उसके सपोर्ट में थे। इस कानून में सूचना क्षेत्र, अब सबसे पहले कि सूचना क्या होती है, जैसे हमने बोला कि सूचना का अधिकार अधिनियम, अब सूचना में किस प्रकार की सूचना दी जाएगी। अगर आप जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो सूचना का मीनिंग क्या है, हम किस प्रकार की सूचना वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। इस कानून में सूचना क्षेत्र की व्यापक परिभाषा है, केवल सूचना का एक छोटे रूप में नहीं दिया गया है, बहुत व्यापक रूप में। और यह महत्वपूर्ण बात है कि इसमें राय और सलाह भी प्रकट किए जाने वाले विषय को भी सम्मिलित किया गया है, कि कोई राय या कोई सलाह दी जाती है तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। अर्थात जब तक फाइल टिप्पणी या अधिनियम द्वारा अनुभाग 8 में विनिर्दिष्ट मुक्त किए गए विषयों में सम्मिलित ना हो, तब तक फाइल की मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं इसे ये कहूं कि जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इनके भी कुछ कानून है, जैसे कि डिफेंस से संबंधित जनरली इन्फॉर्मेशन क्या है कि नहीं दी जाती है, क्योंकि वो एक जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा आ जाता है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे आपको सूचना नहीं दी जाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आरटीआई डाला था तो उसमें भी सूचना नहीं मिली थी। कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे सूचना आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र ऐसा है जहां पे आपको सूचना मिल जाएगी। वही चीज यहां पे कही गई है, अनुभाग 8 में जो चीजें निर्दिष्ट की गई है कि आपको इससे संबंधित सूचना नहीं मिलेगी, उसको छोड़ के अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो उनको देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनको यह सूचना जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि अनुभाग 8 में जो जो विषय दिए गए हैं कि इनके ऊपर आप सूचना नहीं मांग सकते, तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। सूचना की परिभाषा में निर्माण दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण भी शामिल किया गया है, और उनके प्रमाणित उद्धरण भी सत्यापन के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब आप उनसे ले सकते हैं, आप जो भी करवाए हैं फोटोकॉपी या जो भी करवा सकते हैं, तो उद्धरण भी सत्यापन के लिए या सत्यापित के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः यह अधिनियम केवल दस्तावेजों एवं फाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनता को जमीनी हकीकत की जाँच की भी क्या करता है, क्षमता भी प्रदान करता है। तो सूचना की परिभाषा में निर्माण दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण भी किया जा सकता है कि सच है, झूठ है, क्या है, पूर्ण रूप से उनका निरीक्षण किया जा सकता है, और उनके प्रमाणित उद्धरण भी सत्यापन के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः यह अधिनियम केवल दस्तावेज एवं फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता को जमीनी हकीकत, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी बेहतर तरीके से आ पाए उसके लिए ये चीज़ें की गई है। दूसरी तरफ सूचना को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सामग्री जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी प्रकार की सामग्री है, जैसे फाइल, दस्तावेज, विचार, सुझाव, जो भी मेमो है या आप कह सकते हैं रिकॉर्ड, रिपोर्ट, विज्ञप्ति, आदेश, डेटा, ईमेल, सर्कुलर तथा किसी भी निजी संस्था से संबंधित सूचना जिस तक कानून के माध्यम से किसी लोक अधिकारी की पहुंच हो, जैसे कि किसी कोई निजी संस्था है जहां पे कि एक सरकारी ऑफिसर की भी वहां पे एक पहुंच हो, उस अगर वहां पे उसकी पहुंच है तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर उसके पास है और वो क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, सूचना के अंतर्गत आती हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। सूचना का अधिकार सत्ता में समान
समान भागीदारी की मांग है, साथ ही किसी के द्वारा सत्ता की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाता है। जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसकी वैधता से सशक्तिकरण और परिवर्तन के लिए संघर्ष को अपना क्षितिज और व्यापक करने का अवसर मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उससे क्या होता है कि अगर सत्ता निरंकुश होकर कोई कार्य कर रही है, अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांग ली तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बेहतर तरीके से इस चीज़ को करते हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी बनी रही है और भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है इस चीज़ के माध्यम से। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना में कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्डों का निरीक्षण, संबंधित दस्तावेज और उनकी प्रतिलिपि, सैंपल, फ्लॉपी, सीडी, फार्म इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है। इतना तक इसमें कहा गया है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको फोटोकॉपी मिले तो आप वो भी मिल सकती है। इस अधिनियम के तहत कोई नागरिक जान सकता है कि उसका काम क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने कहीं पर भी कोई काम के लिए कुछ किया और वो कार्य आपका नहीं हुआ, तो इस ये अधिनियम आपको इतनी शक्ति देता है कि आप ये भी जांच कर सकते हैं कि आपका वो कार्य क्यों नहीं हुआ, वर्तमान में वो कार्य कहाँ तक बढ़ा है, कब तक वो कार्य होगा, उस कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, कार्य की जांच आदि के द्वारा पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अगर ये पूर्ण रूप में जब लागू होता है या पूर्ण रूप में लागू है तो बहुत सारी एक जो आम आदमी उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि आप उसकी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि, सैंपल मांग सकते हैं उनका, या आपने कोई कार्य आपका नहीं हो रहा है तो उसमें क्या अड़चन आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है, उस विभाग से आप RTI डाल के सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, कब तक आपका कार्य होगा, कब तक नहीं होगा, पूरी डिटेल वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं। अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब आप इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो कौन कौन से विषयों पर आप चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन से विषयों से संबंधित आप सूचना मांग सकते हैं, कार्यों, जो भी कोई कार्य आपका नहीं हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं आ रही, उसके बारे में, दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण आप कर सकते हैं कि देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, सूचना से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड की आप प्रतिलिपि ले सकते हैं, सैंपल लिए जा सकते हैं, सूचना से संबंधित फ्लॉपी, CD, प्रतिलिपि, फॉर्म इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये सारे विषय सम्मिलित किए जाते हैं। इसके साथ ही क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, स्थानीय शहरी निकाय, देखिए केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, स्थानीय और शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाएं तथा उन सभी निकायों जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन पर लागू होता है। इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं कि किन किन लोगों से आप सूचना मांग सकते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, स्थानीय और शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, उन सभी निकाय जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा, जैसे कि कोई गैर सरकारी संगठन है, अगर वो सरकार के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की जा रही है तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, RTI के अंतर्गत रखी गई है और इन्फॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं। कतिपय न्यूनतम अपवाद के साथ, जैसे कि बहुत सारे कुछ अपवाद भी हैं और कुछ अपवादों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो ये है कि न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने से जनहित को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि मैंने कहा डिफेंस से संबंधित, तो वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू आ जाता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने एक विधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर कोई अधिकारी आपकी सूचना, जैसे कि आपने राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ा होगा, तो जब राज्यों में इनका गठन किया गया, RTI राज्यों में लागू किया गया, तो राज्य सूचना आयोग ने वो सारा कार्यभार संभाला। एक सेंट्रल लेवल का सूचना आयोग, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई अधिकारी अगर आपकी सूचना नहीं सुन रहा है या आपकी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत टॉपिक होने वाला, वो सूचना आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। सूचना आयोग किस प्रकार से मदद करता है, क्या मदद करता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। कहीं से अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है तो कितने रुपए लगते हैं, क्या लगते हैं, डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।